वो माय गॉड कहां फेंक दिया बे। हैप्पी न्यू ईयर। क्यों रो रहे हो भाई? चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस आज है ये साल का सबसे लास्ट दिन और हम लोगों का थोड़ा सा पार्टी करने का प्लानिंग बन रहा है और अभी ऐसे ही रूम के लिए मतलब सुबह का चिकन विकन ये सब लाने के लिए जा रहे हैं लेकिन रात को धमाका पार्टी होगा और ये व्लॉग भी बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो गाइस बने रहना। तो गाइस ये देखो किराना शॉप और यहाँ पे हम लोग ले रहे प्याज आलू और भी जो जो सामान रहता है। चिकन बनने वाला है। चिकन कितने किलो था? 4 किलो। सो गाइस मैं पहुंच गया था चिकन के दुकान पे और आज का स्टॉक देखो भाई साहब ये यहाँ पर देखे स्टॉक ये सब आज सबका पूरा का पूरा क्लियर हो जाने वाला है ना। ये पूरा क्लियर हो जाएगा आज है ना पूरा। ये रहे हमारा चिकन भाई अंकल। किलो कितना है आज? 240। अरे 240 थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। तो गाइस रात की तैयारी के लिए ये देखो सिलेंडर अभी गैस भरने के लिए जा रहे हैं ये दो और बाहर खड़ी है बाइक। मैं जाऊंगा सोचा था लेकिन ब्लॉग भी कैसे करूंगा यार एक हाथ से मोबाइल और ये तो पकड़ना पड़ेगा इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इसलिए इन लोगों को ही भेज रहा हूं मैं। यहां पास में एक शॉप था सिलेंडर का लेकिन अभी वो बंद हो गया है तो इसलिए इन लोगों को यहाँ से 5 किलोमीटर दूर फिर जाना पड़ रहा है। और सभी का यहाँ पे खाना की तैयारी चल रही है देख सकते हो। यहाँ पर भी खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये है चिकन। चिकन कितना था? 5 किलो। 5 किलो। और ये चावल ले लिए 8 आदमी के लिए। और क्या क्या लिए? चिकन 5 किलो, पोर्क 1 किलो और रूम में। सो गाइस अनएक्सपेक्टेडली हम लोगों को मैं सोचा नहीं था कि यहाँ पे पोर्क मिलेगा लेकिन यहाँ पे भी पोर्क मिल गया है। किलो कितना था? 200 किलो था। और आसाम में किलो कितना है? 400 समथिंग का कुछ है। 450। ओह माय गॉड आसाम में 450 तुम लोग के इलाके में होगा लेकिन हमारे इलाके में 450 नहीं 400 है। और गाइस पार्टी हम लोगों के रूम में नहीं प्रदीप तो अभिजीत के रूम में होगा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लोकेशन। चलो स्टार्ट कर लो। ये रहे हम और चलते हैं यहाँ से। ये रहा चिकन। तो गाइस पहुंच गए हैं ये देख सकते हो अभिजीत लोगों का रूम। यहाँ पे हम लोग पहले रहते थे और यहीं पर हम लोग कुछ करेंगे। यहाँ पे लकड़ी वकड़ी जला के ये देखो लकड़ी का स्टॉक और ये रहा टीन ताकि यहाँ का जो सीमेंट लगा हुआ है ये खराब ना हो जाए। बाकी सब कुछ सामान खरीदा हुआ हो गया है। ये देखो गैस पानी और ये रहा गाइस स्पॉट। और यहाँ पर है आलू प्याज। प्याज कितना था रे? 1.5 किलो। प्याज 1.5 किलो, आलू 1.5 किलो, ऊपर से अरे ये मिर्ची में तीखा नहीं है यार। और ये क्या है बिल? टमाटर बाकी यहीं पर है। तो गाइस सुबह जो खाया था वही खाया था चिकन विकन सब के साथ और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था सो इसलिए मैं यहाँ पे अंडा बना रहा हूँ मैं। इसके बाद बाकी का काम करेंगे भाई। सो गाइस देख सकते हो ये रहा हम लोगों का पोर्क और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको सीख बोलते शायद ठीक है। ये इसको यहाँ पे सिलाई करके यहाँ पे लगा करके तो देख सकते हो। और ये रहा एक और बंदा डिश लेके आया है। हेलो 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 माइक डिस्टिंग। और ये रहा एक और बंदा जो कि बॉक्स लेके आया है। सो गाइस यहाँ पे पोर्क रोस्ट हो रहा है और अंदर चल रहा है प्याज और आलू ये सब का कटिंग। ये देख सकते हो यहाँ पर प्याज आलू ये सब कट रहे हैं अभिजीत और यहाँ पे क्या था विक्रम भाई रोना मत। क्यों रो रहे हो भाई? कोई बात नहीं बीवी नहीं छोड़ के गई है ठीक है कोई बात नहीं न्यू ईयर में नहीं मिलेगी। तो गाइस हर तरफ वैरायटी ऑफ वैरायटी हो रहा है। इधर बन रहा है पोर्क उधर बाहर बन रहा है चिकन इधर भी बनेगा चिकन इधर भी बनेगा चिकन मतलब चिकन 4 किलो 4 किलो चिकन है नाम में लेकिन 3 या 4 भाग में होगा। A few moments later. Thank you.
तो गाइस अभी देख सकते हो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ प्याज और उसके साथ अभी दे दिया है मिर्ची और टमाटर और ये रहा चिकन। तो मुझे ही बनाना पड़ रहा है, बाकी सब लोग बाहर खड़े हैं तो मुझे ही बनाना पड़ रहे हैं, तो मैं ही बनाऊंगा, तो लास्ट में देखेंगे कि कैसा होगा। One hour later. यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सभी लोग घर के सामने ऐसे कुछ करके ड्रॉइंग से बना के रखे हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ। हे भाई हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मैं आप लोगों को दिखा, हर घर के सामने यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर करके लिखे हैं। ये देखो हैप्पी न्यू ईयर 2023, यहाँ पर भी रंगोली बना के यार मुझे छोड़ के चले गए। ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे तो यार अंधेरा हो गया, कोई बात नहीं। तो गाइस बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हो तो पूरा का पूरा सुनसान हो गया है, क्योंकि अभी बज रहा है रात के 2 और मैं यहाँ पे चिकन का टिफिन लेके चल रहा हूँ पैदल अपने रूम तक, क्योंकि पार्टी थोड़ा सा किया था दोस्त के रूम पे और मुझे सभी लोग छोड़ के चले गए यार, सभी लोग बाइक में चले गए ट्रिपल, तो मैं ही छूट गया। देख सकते हो यहाँ पे कोई भी नहीं है, पूरा का पूरा खाली है। कोई बात नहीं यार, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2023, आप लोगों के सभी का सबसे अच्छा जाए। भगवान से यही दुआ है कि आप लोगों को ये जो न्यू ईयर है पूरा का पूरा साल आप लोगों का अच्छा जाए, किसी का साथ बुरा ना हो, ये दुआ करता हूँ।